हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मनस्वी एग्जाम सॉल्यूशंस। फ्रेंड्स, आज जो टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं वो है नेचर एंड करैक्टरिस्टिक्स ऑफ टीचिंग। ये यूजीसी नेट के फर्स्ट पेपर के फर्स्ट यूनिट का टॉपिक है। इससे पहले मीनिंग ऑफ टीचिंग एंड डेफिनेशन ऑफ टीचिंग को हम डिस्कस कर चुके हैं। यदि आप वो वीडियो देखना चाहें तो ऊपर आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं। आइए देखते हैं नेचर एंड करैक्टरिस्टिक्स ऑफ टीचिंग। इसमें फर्स्ट है ट्राइपोलर प्रोसेस, त्रिध्रुवीय प्रक्रिया। जो टीचिंग है इसको त्रिध्रुवीय प्रक्रिया कहा जाता है। इसके थ्री एलिमेंट्स टीचर, स्टूडेंट एंड सब्जेक्ट मैटर होते हैं। नेक्स्ट है इट इज़ ए कॉन्टिन्यूस प्रोसेस, ये एक सतत प्रक्रिया है। टीचिंग और लर्निंग का प्रोसेस कॉन्टिन्यूस चलता रहता है। ज़रूरी नहीं है कि हम स्कूल और कॉलेज में ही सीखते हैं, हमारे जो पेरेंट्स होते हैं और जो सोसाइटी होती है वो भी हमें काफ़ी कुछ सिखाती है। नेक्स्ट है इंटरएक्टिव प्रोसेस। जो टीचिंग का प्रोसेस है ये कोई वन वे प्रोसेस नहीं है। टीचिंग के प्रोसेस में स्टूडेंट और टीचर के बीच में इंटरेक्शन होती है जिससे कि स्टूडेंट्स की लर्निंग होती है। नेक्स्ट है प्लान्ड एक्टिविटी। टीचिंग इज़ ए प्लान्ड एक्टिविटी, इट इज़ एन ऑर्गेनाइज्ड एंड सिस्टेमेटिक प्रोसेस। जो कुछ भी सब्जेक्ट मैटर टीचर क्लास में प्रस्तुत करना चाहता है पहले उसकी प्लानिंग की जाती है। नेक्स्ट है इट इज़ सेलेक्टिव। टीचर जो भी टॉपिक क्लास में प्रेजेंट करता है वो करिकुलम के अकॉर्डिंग सेलेक्ट किया जाता है। नेक्स्ट है प्रोग्रेसिव, प्रगतिशील। जो टीचिंग होती है वो प्रोग्रेसिव होती है। टीचिंग हमेशा पॉजिटिव होती है। फॉर एग्जांपल, अगर कोई किसी को चोरी करना सिखा रहा है तो उसको टीचिंग नहीं कहा जाएगा। नेक्स्ट है मल्टीपल फेजेस। देयर आर थ्री फेजेस ऑफ टीचिंग, प्री एक्टिव, इंटर एक्टिव एंड पोस्ट एक्टिव। प्री एक्टिव फेज में टीचर के द्वारा प्लानिंग की जाती है। इंटर एक्टिव फेज में टीचर के द्वारा सब्जेक्ट मैटर को प्रेजेंट किया जाता है और पोस्ट एक्टिव फेज में टीचर के द्वारा इवेलुएट किया जाता है कि उसने जो भी सब्जेक्ट मैटर टीच किया है वो स्टूडेंट की समझ में आया है या नहीं आया है, समझ आया है तो कितना समझ में आया है। नेक्स्ट है मल्टीपल लेवल्स। टीचिंग के मल्टीपल लेवल्स होते हैं जो कि है मेमोरी लेवल, अंडरस्टैंडिंग लेवल एंड रिफ्लेक्टिव लेवल। नेक्स्ट है आर्ट एज वेल एज साइंस। टीचिंग को साइंस कहा जाता है क्योंकि इसमें कोई भी जो काम किया जाता है उसके लिए पहले प्लानिंग की जाती है और काम को सिस्टमेटिक वे में किया जाता है, इसलिए इसको साइंस कहा जाता है। साथ ही इसे आर्ट भी कहा जाता है क्योंकि टीचिंग एक स्किल है जिसको कि डेवलप किया जा सकता है, प्रैक्टिस के द्वारा इसमें सुधार किया जा सकता है और टीचर क्लासरूम में अपनी क्रिएटिविटी का भी यूज कर सकता है, इसलिए इसको आर्ट भी कहा जाता है। नेक्स्ट है फॉर्मल एज वेल एज इनफॉर्मल। जो टीचिंग है, जो स्कूल और कॉलेज में टीचिंग होती है वो फॉर्मल टीचिंग होती है, लेकिन साथ ही हम अपनी फैमिली से और सोसाइटी से भी काफ़ी कुछ सीखते हैं, तो फैमिली और सोसाइटी के द्वारा जो सिखाया जाता है वो इनफॉर्मल टीचिंग होती है। नेक्स्ट है बोथ डायग्नोस्टिक एंड रेमिडियल टीचिंग। जो टीचिंग होती है इसमें डायग्नोज किया जाता है और उसके बाद रेमिडियल टीचिंग की जाती है। नेक्स्ट है इट इज़ क्लोजली रिलेटेड टू एजुकेशन, लर्निंग एंड ट्रेनिंग। टीचिंग शिक्षा, अधिगम और प्रशिक्षण से संबंधित है। नेक्स्ट है इट इज़ ए टाइप ऑफ सोशल सर्विस। शिक्षण को एक प्रकार की समाज सेवा माना जाता है। नेक्स्ट है मोटिवेशन टू लर्न। टीचिंग के अंतर्गत मोटिवेशन भी किया जाता है क्योंकि अगर किसी को फोर्सफुली पढ़ाया जाएगा, कुछ सिखाया जाएगा तो उसमें परमानेंट चेंज नहीं होगा। परमानेंट चेंज के लिए मोटिवेशन का होना ज़रूरी है। यदि कोई कुछ सीखना चाहता है तभी उसमें परमानेंट चेंज हो सकता है और टीचिंग के द्वारा मोटिवेशन किया जाता है। इस वीडियो में हमने
नेचर एंड करेक्टरिस्टिक्स ऑफ टीचिंग को डिस्कस किया। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी। यूजीसी नेट के फर्स्ट पेपर की सेकंड यूनिट जो कि रिसर्च से रिलेटेड है और फोर्थ यूनिट जो कि कम्युनिकेशन से रिलेटेड है, उनको हम डिस्कस कर चुके हैं। यदि आप वीडियो देखना चाहें तो उनका लिंक आपको इस वीडियो के लास्ट में मिल जाएगा, आप वो वीडियो देख सकते हैं। यदि वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड फॉर मोर एजुकेशनल वीडियोज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में जो बेल है उसे भी प्रेस कीजिए ताकि आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन भी आपको मिलता रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।